नमस्कार, SS फूड्स एंड पिकल चैनल व्लॉग्स एंड हब्स में आपका स्वागत है। आए आज हम आपको एक नए पौधे के बारे में बताएंगे, जिसे धतूरा कहा जाता है। धतूरे का इस्तेमाल हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसे सबसे ज़्यादा शिव जी के साक्षात रूप के पेड़ में माना जाता है। इसके इस्तेमाल के रूप में इसकी दवाइयां बनती हैं। जिन लेडीज़ को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के या हिस्टीरिया के, उनके लिए यूनानी मेडिसिन में इसकी दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसको मंदिरों में भी लगाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसे शिव जी का साक्षात रूप माना गया है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों के घर में भूत प्रेत जिन्नात का वास होता है, उनके लिए यहाँ बताया गया कि इस पेड़ को घर में लगाना चाहिए, क्योंकि शिव जी जो है भूत प्रेत राज के देवता के रूप में जाने जाते हैं। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। ये 7 प्रकार का होता है, जिसमें से सफ़ेद को सबसे उच्च दर्जा मिला है। इसके अलावा नाज़रीन, देहाती इलाकों में इसकी खाद बनाई जाती है। इसको गोबर के साथ, पानी के साथ मिला करके घड़े में दफना दिया जाता है और इसकी बहुत ही तेज देसी पेस्टिसाइड बनती है। ये देखें, मैं आपको इसका फूल दिखाना चाहूँगी। ये देखें कितना सुंदर फूल है। हम इसको मंदिरों में, जब सोमवार को पूजा होती है, इसको हम मंदिरों में चढ़ाते हैं। ये देखें, आपको इसकी क्लोज़अप करके दिखाते हैं। इसके अलावा जिस फलों के पेड़ में दीमक लगी हो, दीमक ख़त्म ना हो रही हो, तो आँख के पत्तों के साथ इसके पत्तों को मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो उस पेड़ के अंदर से हमेशा के लिए दीमक ख़त्म हो जाती है। ये पेड़ कुदरती तौर पे बहुत बढ़िया पेस्टिसाइड भी है। ये देखें नाज़रीन, मैं आपको क्लोज़अप करके ये सारा पेड़ दिखाऊंगी। ये देखें, इस पेड़ का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आया है। आप जितने भी शिव जी के इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी शक्तिपीठ या मंदिर देखेंगे, उसमें ये धतूरे का पेड़ ज़रूर लगा होगा। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जो नागा साधु या मज़हब का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो इसके बीज, मैं आपको इसका फल भी दिखाना चाहूँगी, इसका फल में जहर भी होता है, लेकिन फिर भी इसे बहुत पवित्र माना गया। ये देखें, ये इसका फल है। ये मैं आपको इसका क्लोज़अप करके दिखाऊँ। इसके बीजों का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।